हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जीआर क्लासेस में। मेरा नाम है रवि। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक और पेपर को हल करने वाली, और ये जो पेपर है एआरओ का पेपर है, और ये 2022 में यूके पीएससी का पेपर है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। सबसे पहले तो यूके पीएससी के द्वारा पूछा गया एआरओ का पेपर है, और ये एक ऐसा पेपर है जिसमें जीएस को सबसे ज़्यादा यहाँ पर पूछा गया है। ठीक है, तो हम 100 क्वेश्चन आज करेंगे। वैसे तो इसमें 200 क्वेश्चन का पेपर है, लेकिन आज की वीडियो में हम 100 क्वेश्चन करेंगे, और 100 क्वेश्चन आपके आने वाले नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे। देखो, इसकी एक ये खासियत है कि यहाँ पर से आपको विश्व भूगोल से भी क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे, विश्व के इतिहास से भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो सारे टॉपिक जो आपके सिलेबस में टॉपिक हैं, आपका जो सिलेबस दिया गया है यूके पीएससी ने, पटवारी, लेखपाल, पुलिस कांस्टेबल, फॉरेस्ट गार्ड, उस सिलेबस को यहाँ पर ध्यान में रखते हुए हर एक टॉपिक से, हर एक सब्जेक्ट से क्वेश्चन इसमें पूछे गए हैं। लेकिन इसका जो लेवल है वो थोड़ा अच्छा लेवल है। अच्छा लेवल कहने का मतलब है थोड़ा हाई लेवल इसका देखा गया जाएगा। तो ये जो पेपर है, पटवारी लेखपाल वाले इस चीज़ के लिए रेडी रहें कि आपका पेपर इस तरीके से भी आ सकता है। तो पटवारी लेखपाल वाले इस पेपर को ज़्यादा यहाँ पर ध्यान में रखते हुए तैयारी कर सकते हैं। बाकी पुलिस कांस्टेबल, फॉरेस्ट गार्ड वाले अपनी तैयारी को करें, और इस पेपर से घबराए नहीं कि आपका इतना हार्ड पेपर पूछा जा सकता है। इससे लेवल थोड़ा कम ही रहेगा, लेकिन हो सकता है कुछ क्वेश्चन इस लेवल के भी देखने को आपको मिल जाएं जो कि हाई लेवल के होंगे, बट ज़्यादातर क्वेश्चन हैं जो कि इस लेवल के नहीं आपको देखने को मिलेंगे आपके एग्जाम में। तो पुलिस कांस्टेबल, फॉरेस्ट गार्ड वाले थोड़ा सा इसमें अपने आप को डिमोटिवेट ना करें इस पेपर को देखने के बाद, लेकिन पटवारी लेखपाल वाले बिल्कुल तैयार रहें कि आपका पेपर इस तरीके से भी आ सकता है। तो चलिए वीडियो को हम करते हैं शुरू, और पहले क्वेश्चन से है जो कि इसकी शुरुआत करते हैं। इसमें हिंदी के क्वेश्चन हैं जो कि मैं नहीं लाया हूँ, क्योंकि हिंदी इसमें पूछी नहीं गई थी, तो जिस कारण मैं हिंदी यहाँ पर नहीं कराऊंगा। 100 के 100 क्वेश्चन जो हैं वो जीएस के क्वेश्चन होंगे, उत्तराखंड के क्वेश्चन होंगे। आज के वीडियो में उत्तराखंड के कम क्वेश्चन होंगे, लेकिन जो इसके बाद वीडियो आएगी, 100 के बाद क्वेश्चन आएंगे, उसमें उत्तराखंड के ज़्यादातर क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं। यहाँ से आपके जीएस जो है वो थोड़ी स्ट्रांग होगी, क्योंकि आपको जीएस के टॉपिक पता चलेंगे कि किस लेवल के टॉपिक हैं और कौन से टॉपिक हैं आपको यूके पीएससी पूछता है ज़्यादातर। पहला क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से किस तिथि को प्रतिवर्ष राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 29 अगस्त को भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। और आपसे एक क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाता है कि किनके जन्मदिन के अवसर पर ये खेल दिवस मनाया जाता है? तो हॉकी के एक हैं हॉकी जादूगर मेजर ध्यान सिंह, मेजर ध्यान सिंह के यहाँ पर जन्म दिवस के उपलक्ष्य पर इस खेल दिवस का आयोजन किया जाता है 29 अगस्त। आप लोग यहाँ पर खुद भी आंसर करने की कोशिश करें, अपने माइंड में आंसर पहले सोच लें मेरे आंसर करने से पहले, और जब आप पूरे 100 क्वेश्चन करेंगे तो एक पेज में लिख लें आप कितने क्वेश्चन सही कर रहे हैं, कितने आंसर गलत कर रहे हैं। उसके बाद अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि आप लोगों ने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, कितने आपके सही हुए। ठीक है दोस्तों, आप अपना स्कोर बता सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, धौलावीरा हड़प्पा सभ्यता का दक्षिणी केंद्र, जिसे हाल ही में यूनेस्को विरासत साइट टैग प्राप्त हुआ है, भारत के किस राज्य में स्थित है? धौलावीरा के बारे में हमने बहुत बार चर्चा कर ली है। क्वेश्चन इस वाले को मैंने विविध में भी करा रखा है, भारत के इतिहास में भी करा रखा है। तो ये है गुजरात का, और मैंने कहा है कि ये इस टाइप के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। हो सकता है पटवारी, लेखपाल, पुलिस कांस्टेबल, फॉरेस्ट गार्ड किसी एक एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाए फिर से, तो इसलिए आप लोग इसको ध्यान में रखते हुए करना। अगला क्वेश्चन, उस केंद्र शासित प्रदेश का नाम बताएं जो 100% ऑर्गेनिक बन गया है, और जहां खेती में सिंथेटिक फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड का प्रयोग नहीं हो रहा है। यानी कि ऑर्गेनिक जो खेती है वो कहां पर की जा रही है, ये की जा रही है लक्षद्वीप। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे लाला लाजपत राय, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर के लेखक कौन है? तो ये एक पुस्तक है, और ये पुस्तक उत्तरा ये
आरबीआई के पूर्व गवर्नर उर्जित पटेल के द्वारा लिखी गई है। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, भारत में कौन सी सेज SEZ, SEZ का मतलब होता है स्पेशल इकोनॉमिक जोन, सिटी पहली हरित सेज बनी है? तो ये बनी है कांडला, जो कि पहली हरित स्पेसिफिक इकोनॉमिक जोन वाली सिटी बनी है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है, कांडला। कांडला कहाँ पर स्थित है? गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोक्यो ओलंपिक में भारत ने कितने कांस्य पदक जीते? तो टोक्यो ओलंपिक में भारत ने 4 कांस्य पदक जीते थे। अगर हम टोटल की बात करेंगे, 7 जीते थे, जिसमें से 1 गोल्ड नीरज चोपड़ा ने जीता था, 2 यहाँ पर सिल्वर मेडल थे और 4 ब्रॉन्ज मेडल यानी कि कांस्य पदक थे। तो ये बातें हैं जो कि आपको ध्यान में रखनी है, और करंट अफेयर में ये मैंने टॉपिक आपको करा रखा है। अगला क्वेश्चन, उस फिल्म का नाम बताइए जिसने कांस फिल्म उत्सव में हाल ही में पाल्म डी और जीता है। पाल्म डी और, तो ये जीता है टाइटने ने, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, महासू, दांगली और झाली जैसे प्रसिद्ध लोक नृत्य भारत के किस राज्य से संबंधित हैं? तो ये लोक नृत्य आपको ध्यान में रखने, लोक नृत्यों से आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये जो 3 के 3 नाम आपको दिखाई दे रहे हैं, ये है हिमाचल प्रदेश के नृत्य। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नीरज चोपड़ा का संबंध किस खेल से है, ये आपको बताना है, जिन्होंने टोक्यो ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता था। तो ये जेवलिन थ्रो से संबंधित है, तो ये आपको ध्यान में रखना है, भाला फेंक। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य ने भारत की पुरुष हॉकी टीम और महिला हॉकी टीम को प्रायोजित किया? तो ये ओडिशा सरकार है, जिन्होंने ओलंपिक में जो भारत की पुरुष हॉकी टीम थी और महिला हॉकी टीम थी, उनको प्रायोजित किया था। अगला क्वेश्चन, भारत में वर्ष 2021 में किस दिन को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो विभाजन की अगर हम बात करेंगे, भारत पाकिस्तान के विभाजन की, और ये है 14 अगस्त 2021, ठीक है दोस्तों। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी समिति पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित नहीं है? पंचायती राज व्यवस्था से महत्वपूर्ण समिति आपसे पूछ ली जाती है, मैंने कराई भी है आपको। तो ये जो समिति है, संथानम समिति का संबंध पंचायती राज से नहीं है। बाकी आप लोग ये अशोक मेहता, GVK राव या फिर बलवंत राय मेहता समिति, इन सभी का संबंध पंचायती राज से है। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे पुराना अणु शक्ति स्टेशन कौन सा है? तो यह है तारापुर। कमेंट बॉक्स में जल्द से ये बता दो कि तारापुर किस राज्य में स्थित है, तारापुर किस राज्य में अवस्थित है, इसको आप कमेंट बॉक्स में जल्द से कर लें। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किन है भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर के रूप में पुनः नियुक्त किया गया है? तो यह है शक्तिकांत दास, और कौन से नंबर के हैं ये है 25th, 25वें नंबर के ये RBI के गवर्नर हैं। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश किस स्थान पर दिया था? तो पहला उपदेश गौतम बुद्ध ने सारनाथ में दिया था, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अगला क्वेश्चन, कलिंग के शासक खारवेल की उपलब्धियों का विवरण किस शिलालेख में मिलता है? तो कलिंग के शासक खारवेल की उपलब्धियों का विवरण हमें हाथी गुम्फा अभिलेख में मिलता है, ठीक है दोस्तों। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पुस्तक है, पुस्तक का नाम है कथा सरित सागर के लेखक कौन है? तो ये है सोमदेव, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक अमीर खुसरो के द्वारा नहीं लिखी गई थी? अमीर खुसरो के द्वारा यहाँ पर ताज उल मासिर नहीं लिखी गई थी, बाकी जितनी ये तीनों पुस्तक हैं ये अमीर खुसरो के द्वारा रचित हैं। तो आप लोग देख रहे हैं कि लेवल किस का है, यहाँ पर GS में लेवल किस तरीके से पूछा जा रहा है, तो ये लेवल थोड़ा सा अप लेवल है जो कि आपसे पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, अकबर का मकबरा कहाँ पर स्थित है? तो अकबर का मकबरा है सिकंदरा में, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बक्सर के युद्ध में ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना का सेनापति कौन था? बक्सर का युद्ध कब हुआ था ये आपको बताना है सबसे पहले तो, और दूसरी बात इसमें जो सेनापति है वो हेक्टर मुंडो था, ऑप्शन डी। कमेंट बॉक्स में जल्दी से बता दो कि बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया था, ठीक है दोस्तों।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, दास कैपिटल के लेखक कौन हैं? दास कैपिटल, तो इसके लेखक हैं कार्ल मार्क्स, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुलंद दरवाज़ा का निर्माण किसने करवाया? बुलंद दरवाज़ा, तो बुलंद दरवाज़ा का निर्माण अकबर ने कराया था, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, तो निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो सुमेलित नहीं है अगर हम बात करेंगे तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन डी, चर्चिल। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन, गोल गुंबज कहाँ पर स्थित है? गोल गुंबज की अगर हम बात करेंगे तो ये बीजापुर में स्थित है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थॉमस मुनरो किस क्षेत्र में अपने कार्य के लिए जाने जाते हैं? थॉमस मुनरो, तो थॉमस मुनरो भूमि बंदोबस्त के लिए जाने जाते हैं, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस टाइप के प्रश्न आपसे अक्सर देखने को मिलते हैं यूके पीएससी के पेपर में, और ये है मिलान वाला या फिर जो घटनाएं होती हैं उनका क्रम, और जो घटनाएं हैं ये हमारे आधुनिक भारत से पूछी जाती हैं, या तो फिर जो महात्मा गांधी के आंदोलन हैं उनके घटनाक्रम पूछे जाते हैं, या फिर जो मिशन हैं उनके पूछे जाते हैं, तो इस टाइप के प्रश्न आधुनिक भारत से बन जाते हैं, कालक्रम आपसे पूछ लिया जाता है, तो ये प्रश्न आपको देखने को मिल सकता है इस टाइप के। तो पहला है शिष्टमंडल, क्रिप्स शिष्टमंडल, ऑप्शन बी है मंत्रिमंडलीय शिष्टमंडल, वेवेल योजना और अंतरिम सरकार का गठन। तो अगर हम इनको कालक्रम के अनुसार मिलाने की कोशिश करेंगे तो सबसे पहले यहाँ पर क्रिप्स मिशन, ऑप्शन ए पहले होगा, क्रिप्स मिशन, क्रिप्स मिशन ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। पहले तो क्रिप्स मिशन की अगर हम बात करेंगे 1942, दूसरा है वेवेल योजना ऑप्शन थ्री, एक के बाद ऑप्शन थ्री आ जाएगा, वेवेल योजना 1945 आपने वेवेल योजना को ध्यान में रखना है। फिर आपका आ जाएगा दूसरा, दूसरे में क्या है, मंत्रिमंडली शिष्टमंडल 1946 ये आ जाएगा, और फिर लास्ट में आ जाएगा अंतरिम सरकार का गठन जो कि हुआ था 1946 में ही। ठीक है, तो ये है ऑप्शन चौथा। तो इस टाइप का जो ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है वो कहाँ पर देखने को मिला है, 1, 3, 2, 4, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन में, तो बास्टिल का पतन किस देश की क्रांति से संबंधित है? बास्टिल का पतन तो ये है फ्रांस की क्रांति से संबंधित। आपको इस टाइप के प्रश्न, अब देखो वर्ल्ड हिस्ट्री विश्व के इतिहास से भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो आप लोग इसको भी ध्यान में रखना। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, इंग्लैंड में रक्तहीन क्रांति और गौरवमयी क्रांति किस वर्ष हुई? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1688, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने इटली के एकीकरण में योगदान नहीं दिया? तो ऑप्शन हो जाएगा ए मैटरनिक, मैटरनिक ने इटली के एकीकरण में योगदान नहीं दिया है, बाकी गैरिबाल्डी, मेजनी और कावुर है जिन्होंने योगदान दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोमनोव वंश का संबंध किस देश से है? तो रोमनोव यहाँ पर रूस से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात शांति सम्मेलन किस स्थान पर हुआ था? तो पहले विश्व युद्ध के बाद जो 1919 में शांति सम्मेलन हुआ था जो कि विजय देश थे, और ये था पेरिस में, पेरिस में हुआ था ये शांति समझौता, तो 1919 का पेरिस समझौता आपको याद करना है। अगला क्वेश्चन है, वाटरलू का युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो ये हुआ था 1815 में, इसमें नेपोलियन की हार हुई थी, इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, नादिर शाह ने भारत पर किस वर्ष आक्रमण किया? तो नादिर शाह की अगर हम आक्रमण की बात करेंगे तो ये है 1739, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन शक्लोत्तर पथनाथ नाम से जाना जाता है? शक्लोत्तर पथनाथ ये उपाधि जो धारण करने वाला शासक था वो था हर्षवर्धन, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36, गौतमीपुत्र सातकर्णी किस वंश से संबंधित था? तो ये सातवाहन से है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है?
ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर बनेंगे, आप लोग इनको छोड़ के मत आना और इस टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस जरूर कर लेना। जैसे ऑप्शन ए है प्रयाग प्रशस्ति हरिसेण की है, ये बिल्कुल सही है। जूनागढ़ अभिलेख रुद्र दामन का है, ये बिल्कुल सही है। धौली अभिलेख अशोक का है, ये भी बिल्कुल सही है, लेकिन ये भीतरी अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय का नहीं है, ये सुमेलित नहीं है यहाँ पर। अगर हम भीतरी अभिलेख की बात करेंगे तो गुप्त साम्राज्य में स्कंदगुप्त जो कि पांचवा शासक है उसने उसका अभिलेख है ये भीतरी अभिलेख, तो इसलिए ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। किसकी हत्या करके पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना की थी, ये क्वेश्चन मैंने आपको करा रखा है अंतिम 45 दिनों के महासंग्राम में इतिहास में। तो मौर्य वंश का अंतिम शासक था वृद्धत, वृद्धत का सेनापति था पुष्यमित्र शुंग और शुंग वंश की स्थापना की थी वृद्धत की हत्या करके। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे यहाँ पर 39th, कौन सा युग्म सुमेलित है, यहाँ पर अब कौन सा मैच कर रहा है ये हमको बताना है, ठीक है। तीन ऑप्शन गलत होंगे, कोई एक सही होगा उसी को हमको बताना है। तराइन का प्रथम युद्ध 1192 बिल्कुल गलत है ये, और इसका जो राइट आंसर होगा 1191 होगा। पानीपत का द्वितीय युद्ध 1576 बिल्कुल गलत है, 1556 में हुआ था। तैमूर का भारत पर आक्रमण 1378 बिल्कुल गलत है, 1398 में हुआ था ये। और अगर हम चंदावर के युद्ध की बात करेंगे तो ये हुआ था 1194 में, तो जयचंद और मोहम्मद गोरी के बीच में ये लड़ाई हुई थी, जयचंद की इसमें हार हुई थी, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, फैजेंडा जाना जाता है, फैजेंडा किस लिए जाना जाता है, तो ये कहुए के बागानों के लिए जाना जाता है, कहुए के बागान फैजेंडा। अगला क्वेश्चन है डार्लिंग है, डार्लिंग डार्लिंग क्या है, एक नहर है, नगर है, झील है या फिर नदी है, तो डार्लिंग का मतलब है एक नदी है ये, और ये ऑस्ट्रेलिया की सबसे लंबी नदी है, ऑस्ट्रेलिया की सबसे लंबी नदी है डार्लिंग नदी, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों की विशेषता है, तो उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर साल भर वर्षा होती है, तो ऑप्शन बी इसका राइट है। चीन की सबसे लंबी नदी आपसे पूछ रहा है तो यांगजे है, और इसका ऑप्शन ए हो जाएगा जिसको यांग तसे क्यांग भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस देश को लैंड ऑफ थंडर बोल्ट कहा जाता है, तो ये है लैंड ऑफ थंडर बोल्ट भूटान को कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर वज्र की भूमि इसका हिंदी अनुवाद होगा, वज्र की भूमि, क्योंकि यहाँ पर जो हिमालय पर्वतमाला है वहाँ से तूफान आदि तूफान आते रहते हैं, इस वजह से इसको लैंड ऑफ थंडर बोल्ट कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, जापान का सुदूर उत्तरी द्वीप है, तो जापान का होकाइडो है जो कि सबसे उत्तरी द्वीप है, सबसे उत्तरी द्वीप है, ठीक है दोस्तों। देखो अगर आपसे इसी तरीके से इसमें पूछ लिया जाएगा तो इस तरीके का मैप है जापान का, तो सबसे ऊपर आप देखेंगे यहाँ पर उत्तर में है होकाइडो, फिर है होन्सू, होन्सू है नीचे, फिर है शिकोकू और फिर है क्यूसू, तो इस प्रकार से आप इनके मैप को देख सकते हैं, और यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन अगर पूछ लिया तो आप लोग इसको करके आना। होकाइडो सबसे उत्तर में द्वीप है, अगर क्यूसू की बात करेंगे सबसे दक्षिण में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिणी गोलार्ध में वायु के बाई ओर मुड़ने का कारण है, तो पृथ्वी का घूर्णन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी का निकटतम ग्रह करा रखा है विश्व भूगोल में, तो पृथ्वी का निकटतम ग्रह शुक्र है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग गलत मत करके आना है, आप लोग ये मत सोच लेना कि सूर्य का निकटतम ग्रह, तो बुध भी बहुत लोग इसको करके आ जाएंगे, तो आप लोग इस गलती को ना करें। अगला क्वेश्चन है, एशिया महाद्वीप से बाहर विश्व में सर्वोच्च पर्वत शिखर है, अगर हम विश्व की पर्वत शिखर की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, माउंट एवरेस्ट, लेकिन ये बोल रहा है कि एशिया में नहीं होना चाहिए, एशिया से बाहर, तो माउंट एकोनकागुआ, माउंट एकोनकागुआ दक्षिणी अमेरिका का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है जो कि एशिया से बाहर सबसे उच्चतम पर्वत शिखर है। अगला क्वेश्चन है, विश्व में सर्वोच्च जलप्रपात है, तो एंजेल जलप्रपात है जो कि सबसे ऊंचा जलप्रपात है, अब आपको कमेंट करके ये बताना है कि ये किस देश में है, ठीक है दोस्तों, आप लोग इसका कमेंट में आंसर बताना। अगला क्वेश्चन है, यूरोप में उत्तरी सरकार का
मत्स्या खेट क्षेत्र जाना जाता है, तो ये डॉगर किनारे के रूप में जाना जाता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो आई होप आप लोगों को आज की क्वेश्चन पेपर का लेवल पता चल रहा होगा, और लेवल आपका एक बिल्कुल अच्छा लेवल है, जो कि मॉडरेट टू हाई लेवल इस क्वेश्चन पेपर को आप कहेंगे, और इस टाइप के प्रश्न आपके पटवारी लेखपाल में देखने को मिलेंगे, तो आप लोग इस लेवल के लिए भी रेडी रहना। पुलिस कांस्टेबल वालों को मैंने पहले कह दिया कि आप लोग लोड मत लेना, टेंशन मत लेना इस पेपर को देखते हुए, आप लोगों के लिए इतना टफ नहीं बनेगा, हो सकता है कुछ क्वेश्चन बन जाए, बट एक एवरेज जो पेपर होगा वो लो टू मीडियम लेवल का होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सांभर झील स्थित है, कहाँ पर है ये? राजस्थान में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी सागर बांध हिस्सा है, तो ये चंबल परियोजना का। अब मैंने ये सारे क्वेश्चन आपको अंतिम 45 दिनों के महासंग्राम में टॉपिक वाइज करा रखे हैं, जैसे कि झील हो गया, गांधी बांध हो गया, मिट्टी हो गया, तो इसलिए मैं यहाँ पर ज़्यादा डिटेल में नहीं करा रहा हूँ, तो आप लोग इस चीज़ को ध्यान में रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी मिट्टी सबसे अधिक उपजाऊ है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, जलोढ़ मिट्टी। अगला क्वेश्चन, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश, तो ये है लक्षद्वीप। सारे क्वेश्चन मैंने आपको करा रखे हैं, अगर आप लोगों ने 45 दिन का महासंग्राम देखा है तो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली बुलेट ट्रेन परियोजना निर्माणाधीन है, तो ये जो है वो है मुंबई और अहमदाबाद साबरमती के बीच में, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी प्राचीन पर्वत श्रृंखला है? सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला की अगर हम बात करेंगे तो अरावली है, ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन तेल शोधशाला नहीं है? शोधशाला नहीं है पूछ रहा है, तो ये हो जाएगा जमशेदपुर, और बाकी जामनगर, डिगबोई और बरौनी, ये है तेल शोधशाला, पेट्रोलियम शोधशाला। लेकिन अगर जमशेदपुर की बात करेंगे तो ये लौह इस्पात संयंत्र यहाँ पर स्थित है, तो आप लोग इस चीज़ को ध्यान में रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व है, तो ये था 382, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में कैमूर नामक स्थान सुप्रसिद्ध है, तो ये सीमेंट उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, मध्य प्रदेश का कैमूर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सापुतारा पर्वती पर्यटन स्थल कहाँ पर है? तो सापुतारा जो है ये एमपी में पड़ता है, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, बादीपुर बाघ संरक्षित क्षेत्र कहाँ पर है? बादीपुर, सारे क्वेश्चन करा रखे हैं, बादीपुर वाला भी मैंने आपको करा रखा है, तो ये आपको देखने को मिलेगा कर्नाटक में। अंतिम 45 दिनों का महासंग्राम देखना, वहाँ पर ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगे। अगला क्वेश्चन, इंडियन पॉलिटी के अब यहाँ पर शुरू हो चुके हैं। भारत सरकार अधिनियम 1935 मुख्यतः आधारित था, तो साइमन कमीशन की अनुशंसा पर और तीन गोलमेज सम्मेलनों के विचार विमर्श, ये दोनों ही इसके राइट आंसर होंगे, यानी कि ऑप्शन बी एंड सी। अगला क्वेश्चन, किस चार्टर को वह जीवाणु कहा जाता है जिससे पश्चातवर्ती सभी एंग्लो इंडियन संहिताएं विकसित हुई हैं? तो ये चार्टर ऑफ 1600 है, इसको हम यहाँ पर राइट आंसर कहेंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ष मद्रास, ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष मद्रास एजेंसी को प्रेसिडेंसी का दर्जा दिया गया था? 1665, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रथम मेयर न्यायालय की स्थापना वर्ष 1687 में कहां पर हुई थी? तो ये हुई थी मद्रास में, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कानून का प्रावधान था कि भारतीयों को ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत नौकरियों से प्रतिबंधित नहीं करना चाहिए? तो ये था ऑप्शन सी, चार्टर एक्ट 1833 का। तो ये सारे फैक्ट हैं जो कि आपको याद करने हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, और ये क्वेश्चन है, भारत के लिए केंद्र और प्रांतों के मध्य विधायी शक्तियों को विभाजित करने वाला संघीय ढांचा सर्वप्रथम किसके द्वारा अंगीकृत किया गया? तो ये है भारत सरकार अधिनियम 1935, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथक निर्वाचन मंडलों की व्यवस्था को भारत में प्रथम बार लागू किया गया, तो ये किया गया था 1909 के अधिनियम में, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1945 की वावेल योजना का
घोषित उद्देश्य था। तो इसका जो उद्देश्य था ये आपको ध्यान में रखना है, और ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, भारत के सभी प्रमुख समुदायों को प्रतिनिधित्व देना। अगला क्वेश्चन 70 वाला है। 1 अगस्त 1972 को की घोषणा ने पूर्णतया खत्म कर दिया। 1 अगस्त 1672 की घोषणा ने पूर्णतया खत्म कर दिया, तो क्या खत्म कर दिया इसने? पुर्तगीज विधियों को खत्म कर दिया था। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इतिहास का। मुगल बादशाह शाह आलम ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी को सालाना नियमित रुपयों के बदले में दिया था। तो 26 लाख इसने यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी को सालाना नियमित रूप के बदले में दिया था। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है लॉर्ड कार्नवालिस की किस न्यायिक योजना के अंतर्गत कोर्ट ऑफ सर्किट स्थापित की गई थी? तो ये है न्यायिक योजना 1793। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत का प्रथम विधि आयोग का गठन किस चार्टर के तहत हुआ था? प्रथम विधि आयोग का गठन यहाँ पर 1833 के चार्टर के तहत हुआ था। अगला क्वेश्चन है आरंभ में भारत में स्थापित किए गए उच्च न्यायालय कहाँ पर स्थित थे? प्रारंभ में उच्चतम न्यायालय कहाँ पर थे? तो बॉम्बे, मद्रास, कलकत्ता। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्रथम विधि आयोग का अध्यक्ष कौन था? तो ये मैकाले था, तो टी बी मैकाले। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत का द्वितीय विधि आयोग किस अधिनियम के तहत नियुक्त किया गया? तो पहला विधि आयोग 1833 और दूसरे विधि आयोग की अगर हम बात करेंगे तो ये है 1853 का चार्ट अधिनियम। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन में हम जाएंगे, और ये क्वेश्चन है स्वतंत्र भारत के संविधान का निर्माण करने हेतु संविधान निर्मातृ सभा कब गठित हुई थी? तो 1946 में ये इसका गठन हुआ था, ये भी हमने इंडियन पॉलिटी के चैप्टर में कर रखा है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस कमीशन ने प्रांतों में दोहरी शासन पद्धति को समाप्त करने के लिए सिफारिश की थी? प्रांतों में दोहरी शासन पद्धति को समाप्त करने की सिफारिश यहाँ पर साइमन आयोग ने की थी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखो अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चन और हैं आपके, जो कि आपके एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे, आपके सिलेबस से आउट ऑफ सिलेबस है ये। तो इस टाइप के क्वेश्चन आरओ, एआरओ और जो आपके जुडिशियली वाले पेपर होते हैं वहाँ पर पूछे जाते हैं, और ये न्यायिक शब्द होते हैं, तो यहाँ पर आपको इन चीज़ों पर ध्यान नहीं देना है। तो 79, 80 और 81 ये तीन क्वेश्चन हैं जो कि आपको एग्जाम में नहीं आएंगे। अगला क्वेश्चन है भारत का संविधान का सर्वप्रथम संशोधन कब किया गया था? तो ये किया गया था 1951 में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन में अब हम जाएंगे, हैबियस कॉर्पस का शाब्दिक अर्थ होता है? हैबियस कॉर्पस को हिंदी में बोलते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण। जो हमने रिट पढ़ती हैं अनुच्छेद 32 के तहत उसके बारे में बात कर रहा है। तो व्यक्ति को सशरीर प्रस्तुत करना इसका शाब्दिक अर्थ होता है। अगला क्वेश्चन है सतत विकास संकल्पना है तो ये पर्यावरण विधि की संकल्पना है। अगला क्वेश्चन है विधि का शासन का अर्थ क्या है? विधि के समक्ष सभी व्यक्ति समान हैं, ये इसका अर्थ है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किसी दूसरे व्यक्ति की संपत्ति में अनाधिकृत प्रवेश करना कहलाता है? तो ये अतिचार कहलाता है, अतिचार। नेक्स्ट क्वेश्चन है मूल अधिकारों को लागू करने के लिए न्यायालय द्वारा निर्गत किया जाता है? तो मूल अधिकारों को लागू करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा याचिका यहाँ पर दर्ज की जाती है। अगला क्वेश्चन है 88, भारतीय संविधान के किस भाग में मूल अधिकारों का विवरण है? तो भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35, तो ये आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय विधि दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय विधि दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है, इसको हम संविधान दिवस के रूप में भी मनाते हैं। अगला क्वेश्चन है बाल श्रम निषेध और विनियम अधिनियम अधिनियमित किया गया था 1986 में, ये अधिनियमित किया गया था बाल श्रम। ठीक है दोस्तों,
अगला क्वेश्चन है, किसी न्यायालय के निर्णय आदेश आदि की अवज्ञा कहलाता है, तो ये कहलाता है न्यायालय की अवमानना। अगला क्वेश्चन, बाराही मंदिर में लगने वाला देवी दुर्गा मेला लगता है, कब लगता है ये? रक्षाबंधन के दिन लगता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, वीर चंद्र सिंह गढ़वाली प्रसिद्ध है पेशावर कांड के लिए, यह घटना किस वर्ष घटित हुई थी? तो पेशावर कांड 1930 आपको याद करना है। अब आप कमेंट बॉक्स में इसकी डेट भी बता दो, क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने एक से दो बार अभी तक करा दिया है, ये तीसरी बार मैं करा रहा हूँ। मेरे ख्याल से अभी तक जितने भी पेपर करा रखे हैं उनमें तीसरी बार ये क्वेश्चन पेपर में पूछा जा रहा है। तो आप लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में पेशावर कांड कब हुआ था ये आंसर आप लोग बताएंगे, 1930 में डेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड में औसत जोत का आकार कितना है, हेक्टेयर में आपको बताना है, तो ये हो जाएगा 0.89 हेक्टेयर। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार उत्तराखंड के किन जिलों में नकारात्मक जनसंख्या वृद्धि रही है, नेगेटिव जनसंख्या वृद्धि, तो ये है पौड़ी गढ़वाल और अल्मोड़ा। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य घोषित कर घोषित आठवां नगर निगम है, आठवां नगर निगम, तो आठवां नगर निगम है कोटद्वार। अब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि उत्तराखंड में कुल कितने नगर निगम हैं, कितने नगर पंचायत हैं, ठीक है दोस्तों, और कितनी नगर पालिका है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश गढ़वाल का गजेटियर पुस्तक के लेखक कौन है, तो ये है एच जी वाल्टन। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, रामनगर विधानसभा क्षेत्र भाग है, तो ये नैनीताल संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है रामनगर विधानसभा क्षेत्र। आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य का सुदूरवर्ती पूर्वी जनपद है, पूर्वी जनपद की अगर हम बात करेंगे तो ये हो जाएगा पिथौरागढ़, और अगर पश्चिमी की बात करेंगे तो क्या होगा, इसको भी आप कमेंट बॉक्स में जल्दी से बता दो। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में सार पद्धति संबंधित है, सार पद्धति यहाँ पर फसल चक्रण प्रणाली से संबंधित है। अब आप देख रहे हैं हमने 100 क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट कर दिए हैं, तो आज की वीडियो को हम यहीं पर वाइंड अप करते हैं, और अगली वीडियो में हम 101 वाले क्वेश्चन से 102 वाले क्वेश्चन को लेकर चलेंगे, और फिर 200 क्वेश्चन तक हम इस सीरीज को करेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही, थैंक यू सो मच गाइज, और वीडियो को शेयर कर देना, लाइक कर देना, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको पहुंचाने की कोशिश करना। तो थैंक यू सो मच।